एवरीवन, वेलकम बैक टू सबका गुरुकुल। तो लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया था। तो अब वक्त है आगे बढ़ने का, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, जो भी टॉपिक्स मैंने लास्ट दो क्लासेस में कवर क्या है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना, फर्स्ट वीडियो में, कि फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो हमें यहाँ पर हमें 6 तरह के फाइबर दिए गए हैं, 6 है। तो यहाँ से हमें क्लासिफाई करना है कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने तो पहले एग्जाम्पल लेके तो हमने पढ़ा ही है ना, एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, है ना। तो अब चलिए हम क्लासिफाई करते हैं। नाइलन, नाइलन हो गया हमारा सिंथेटिक। नेक्स्ट आता है वुल, वुल क्या है, वुल है नेचुरल। कॉटन, कॉटन प्लांट से मिलता है और ये वुल मिलता है हमें एनिमल से। तो कॉटन प्लांट का हुआ मतलब ये है नेचुरल। सिल्क, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था कुकून का, वहां से सेरिकल्चर प्रोसेस से सिल्क मिलता है, तो क्या हुआ, ये भी हो गया नेचुरल। ओके, अब आया पॉलिस्टर, बताओ पॉलिस्टर क्या होगा, पॉलिस्टर क्या होगा, सिंथेटिक होगा। फिर लास्टली हमें दिया गया है जूट, ये तो पता ही है, हमने पढ़ा है। तो ये हो गया, प्लांट होता है उसके स्टेम से हमें ये जूट फाइबर मिलता है, तो हो गया है ना ये नेचुरल। ओके, तो ये आप एक बार देख लीजिए, नाइस हो गया आप लोगों का ये। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। ये तो बहुत आसान है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो हमने पढ़ा था ना, पहले हमें अगर वो नेचुरल हो, एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का, तो कॉटन फ्रूट होता है, कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, वहां पर से हमें फाइबर मिलता है, फिर फाइबर को यार्न तक बदला जाता है ना। तो ये हुआ ट्रू। फिर अगला है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नहीं, स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिससे फाइबर्स को यार्न तक बदला जाता है ना, बहुत से फाइबर्स मिलकर एक यार्न बनता है। तो ये तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। तो ये हो गया फॉल्स। अच्छा, तो ये दोनों हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सी है, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये कौन सी मजाक है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि जूट हमें, जूट फाइबर जूट प्लांट से बनता है, तो यहां पर कोकोनट की बात कैसे आई। तो ये तो हमें पता ही है, ये फॉल्स होगा। फिर नंबर डी, द
The process of removing seed from cotton is called ginning. तो हमने पढ़ा था कॉटन प्लांट से हमें मिलता है कॉटन का वो फ्रूट, फिर फ्रूट जब फटता है तो वहां से कॉटन फाइबर निकलता है, कॉटन फाइबर सीड्स को घेरे रखता है ना, घेर कर रखता है. तो गिनिंग प्रोसेस से कॉटन फाइबर और सीड्स को सेपरेट किया जाता है. तो ये है ट्रू, है ना, देख लीजिए आप. ओके, नाइस. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे यार्न को फैब्रिक तक बदला जाता है. अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि पार्ट टू नहीं देखा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और अगर किसी ने पार्ट वन भी मिस किया है, टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो यहाँ पर दिया गया है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. तो ये हो गया ट्रू. तो हमारा क्वेश्चन नंबर एस है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट. ये क्वेश्चन मजाक है ना, क्योंकि हमें पता है कि सिल्क तो एक एनिमल फाइबर है, तो ये कैसे हमें स्टेम ऑफ प्लांट से मिलेगा. प्लांट के स्टेम से नहीं मिलता है. प्लांट के स्टेम से हमें क्या मिलता है, कमेंट करके बताइए हमें क्या मिलता है प्लांट के स्टेम से, कौन सा फाइबर था बताइए. तो इसका आंसर होगा बहुत बड़ा फॉल्स. तो लास्ट जी, पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर. दो सिंथेटिक फाइबर का मैंने नाम ऑलरेडी बता दिया है, वो है नायलन एंड पॉलिएस्टर. तो ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये भी हो गया फॉल्स. देख लीजिए एक बार, हो गया ओके. ओके, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है fill in the blanks. इसका ए है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश. क्या होगा ये, ये होगा कॉटन एंड जूट. प्लांट फाइबर कहां कहां से हमें मिलता है, कॉटन और जूट से, है ना. तो क्वेश्चन नंबर बी है, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश. मतलब एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं वूल एंड सिल्क, है ना, हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है, हो गया. ओके, नाइस. तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर. तो क्वेश्चन नंबर फोर है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन. ये तो हमने पढ़ ही लिया है पार्ट वन में, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो इसका आंसर होगा, कॉटन हमें मिलता है जूट हमें मिलता है प्लांट के स्टेम से, हो गया. बहुत इजी था ये, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो ये तो इसका आंसर तो देना हमारे लिए मुश्किल नहीं है ना. ओके, ठीक है. तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए देखते हैं. नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. तो इसका आंसर होगा, पहला आप सेंटेंस में लिखिए, मैं बस वर्ड्स में लिख रही हूं. तो आप ऐसे लिखिए, टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूं,
ओके आप इसे सेंटेंस बनाकर लिखिए टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर रोप्स एंड प्लैंक्स ठीक है ओके समझ में आ गया ठीक है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर ये प्रोसेस तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है ना इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया है तो इसका प्रोसेस क्या था चलिए कुछ रिकॉल करते हैं तो पहले हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है फिर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग स्पिनिंग प्रोसेस से इन फाइबर्स को जोड़कर यार्न तक बदला जाता है तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं ओके तो पहले हम प्रोसेस का नाम लिख लेते हैं अच्छा तो आप लोग ये आंसर एक बार देख लीजिए तो आंसर में क्या बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग इन दिस प्रोसेस द फाइबर इज स्पन इनटू यार्न बाय ड्रॉइंग आउट एंड ट्विस्टिंग द फाइबर्स दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न ठीक है प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग तो इसमें क्या होता है फाइबर को ट्विस्ट करके से घुमाकर यार्न तक बदला जाता है मतलब बहुत से फाइबर्स ज्वाइन करना पड़ता है ना तो ये ज्वाइन होकर हमें मिलता है यार्न हो गया ये नाइस तो ये तो हमने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस क्रैक कर लिए अब वक्त है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर भागने की है ना हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं तो हमारा पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जूट तो जूट के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है तो हमने क्या पढ़ा था जूट के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 बायोडिग्रेडेबिलिटी नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी नंबर 3 स्मूथनेस नंबर 4 स्ट्रेंथ तो हमें बताना है यहाँ से कौन सा जूट का प्रॉपर्टी नहीं है तो मैंने बताया था जूट बायोडिग्रेडेबल है सेकेंड है ड्यूरेबिलिटी मतलब हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं हाँ हम जूट को बार बार यूज कर सकते हैं थर्ड हमारा है स्मूथनेस और फोर्थ है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो है ही लेकिन जूट स्मूथ नहीं होता है तो इसका आंसर होगा स्मूथनेस इसे टिक लगा दीजिए आप लोग ये क्वेश्चंस जरूर लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो इसका क्वेश्चन नंबर बी है विच ऑफ दिस इज नॉट फाइबर इनमें से फाइबर कौन सा नहीं है हमें बताना है पहला है नायलन सेकेंड जूट थर्ड लेदर फोर्थ वुल नायलन तो हो गया सिंथेटिक फाइबर जूट नेचुरल फाइबर लेदर छोड़िए वुल अगेन नेचुरल तो लेदर तो सिंथेटिक फाइबर भी नहीं है और नेचुरल फाइबर भी नहीं है ये लेदर फाइबर नहीं है इसमें टिक लगा दीजिए लेदर इज नॉट अ फाइबर हो गया ये आप लोग ये दो क्वेश्चंस आप रखिए अपने पास ठीक है ओके तो हमारा अगला क्वेश्चन है
name one fiber each that is number A smooth, number B shiny, number C fluffy, number D wrinkle free. तो स्मूथ कौन सा फाइबर है? स्मूथ बोलने से दिमाग में आता है कॉटन. शाइनी बोलने से सिल्क. फ्लफी, फ्लफी क्या होता है? फ्लफी, फ्लफी फाइबर कौन सा है? फ्लफी फाइबर है वूल. रिंकल फ्री, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये रिंकल फ्री जो है ये नायलन का एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, सिंथेटिक फाइबर. तो ये नायलन होगा, नायलन रिंकल फ्री होता है. हो गया, ये क्वेश्चन भी आप अपने पास रखिए. ये क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये हमने कहा क्या है? ये हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है. आप लोग फिर भी ये क्वेश्चन अपने पास जरूर रखिए. ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द डैश एंड डैश सॉइल. ये हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है. इसका आंसर है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. फिर नंबर बी, जूट ग्रोज बेस्ट इन एरियाज डेट कैट डैश रेनफॉल. डेट कैट ये हमने पढ़ लिया है पार्ट वन में. इसका आंसर है हैवी. थर्ड, टू ग्रो बेस्ट कॉटन रिक्वायर्स डैश रेनफॉल. इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये आप पार्ट वन में इस चैप्टर का पार्ट वन देखिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आप करोगे ना ये? ये आप लोगों का होमवर्क है. ठीक है, ओके. अगर किसी को फिल इन द ब्लैंक्स का जो मैंने थर्ड आप लोगों को होमवर्क दिया, अगर किसी को समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं हमें. ठीक है, ओके. रुकिए, फिल इन द ब्लैंक्स में मैं और एक होमवर्क देना चाहूंगी जो आप डी करके लिख सकते हो. डी लिख लीजिए इसे. डैश इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. ये मैंने डिस्कस किया है पार्ट टू में, जब हमने डिस्कस किया था थोड़ा कुछ एनिमल फाइबर के बारे में. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा. बस आपको यहाँ पर प्रोसेस का नाम लिख देना है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं. ओके, आप पार्ट टू में आंसर ढूंढ लीजिए. ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. नेम टू फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स एंड टू मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर्स बट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ. मतलब हमें बताना है दो फाइबर्स जिससे कपड़ा बनता है और कुछ दो मटेरियल्स जो फाइबर्स नहीं है लेकिन उनसे भी कपड़ा बनाया जाता है. तो इसका आंसर होगा, एक आप लीजिए. तो फर्स्ट मैं लिखूंगी टू फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. ओके, यहां से होगा. तो आप इसे सेंटेंस बनाकर लिखिए, टू फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स are cotton and wool. Second part of the question, two materials that are not fibers but are used to make clothes are leather and fur. तो हमने पहले question में टिक द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने दिया था वहां पर लेदर हमें मिला था ना. क्वेश्चन था कि हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट अ फाइबर.
जहाँ पर दिया गया था जूट, नायलन, लेदर, वुल, है ना। तो ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने देखा है। तो ये लेदर हो गया एक, और एक है फर, ठीक है। तो हमारा अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Name and explain in one sentence each of the steps involved in converting cotton growing on plants to cotton. Clothes. Okay. आप लोग क्वेश्चन अपने पास रख लीजिए. Okay. मैं इसका आंसर रफ करने के बाद लिखूंगी. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कॉटन क्लोथ बनाने का, मतलब फाइबर टू फैब्रिक पूरा प्रोसेस, ये तो हम जानते हैं, हमने इसे डिस्कस कर लिया है पार्ट वन और पार्ट टू में। तो देखते हैं, पहला प्रोसेस है गिनिंग। इसका मतलब क्या है? गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स एंड फाइबर्स। फ्रूट से जो फाइबर निकाला जाता है वहां पर सीड्स भी होते हैं, तो सीड्स और फाइबर्स को सेपरेट करने का प्रोसेस का नाम है गिनिंग। हो गया ये गिनिंग। उसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू यार्न। फाइबर जो मिलता है फाइबर से यार्न तक स्पिनिंग प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि स्पिनिंग तकली और चरखा में किया जाता है ना। ओके, तो इसका अगला प्रोसेस मैं ये आप लिख लीजिए। तो इसका अगला स्पिनिंग के बाद आता है हमारा वीविंग एंड नीडिंग। ओके, तो वीविंग और नीडिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न टू फैब्रिक्स। यार्न से फैब्रिक तक कन्वर्ट करने के लिए वीविंग एंड नीटिंग दो प्रोसेस यूज किया जाता है। वीविंग में जो हमने सीखा था ये वाला प्रोसेस, दो यार्न दिया जाता है, और नीटिंग में एक ही यार्न होता है, एक ही यार्न से पूरा कपड़ा बनाया जाता है। ओके, तो इसके साथ मैं और कुछ बताना चाहूंगी कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं ये एक्टिविटी नंबर 5 जहाँ पर आपको वीविंग प्रोसेस दिखाना था, तो वो मैंने बोला था कि मैं वो करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के एंडिंग में मैं वो दिखा दूंगी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई नो आप लोग इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, What kind of climate and soil does cotton require to give a good yield? हमने soil तो अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss कर लिया है, alluvial and black soil, है ना? तो आपको मैंने पहले आपको एक homework दिया है कि आपको climate ढूंढना है ना? Rainfall climate ये आपको part 1 में मिल जाएगा। इस chapter का part 1 जो मैं description box में डाल दूंगी, वहां पर आप जाकर इसका आंसर ढूंढ कर जरूर लाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए इसलिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड यार्न, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए इन दो क्वेश्चंस में। तो इसका डिफरेंस भी ये भी हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। एक तो पहला डिफरेंस होगा इनका डेफिनेशंस का, डेफिनेशन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। यार्न का
डेफिनेशन दीजिए एंड फाइबर का डेफिनेशन दीजिए. सेकंड पॉइंट में आप लिख लीजिए फाइबर इज अ सिंगल यूनिट एंड यार्न इज फॉर्म विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर. हो गया ये दो दो पॉइंट, ये आप कर सकते हैं मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को तो समझ आया है ना. और अगर कुछ समझ ना आए फिर भी आप पूछ सकते हैं हमें. ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे. तो हमारा चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक खत्म हो गया है. ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सब्सक्राइब किया आपने? लाइक किया वीडियो को? शेयर किया? नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और उसके बाद ही आप ये क्लास छोड़ सकेंगे. ओके, तो आज के लिए गुड बाय. हे एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक्टिविटी नंबर 5 करके दिखाऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसके लिए आपको चाहिए होगा दो अलग कलर के चार्ट पेपर, एक रूलर, एक सीजर और एक पेंसिल. तो मैंने दोनों पेपर को एक ब्लू और एक ग्रीन कलर का पेपर मैंने 20 सेंटीमीटर ईच साइड काट लिया है. बुक में दिया गया 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये अलग मेजरमेंट लेने से भी इसका प्रोसीजर सेम ही रहेगा. तो मैं अब पेपर को हाफ में फोल्ड करूंगी. दोनों पेपर्स को, ग्रीन वाले पेपर में मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूंगी. दो लाइन के बीच मैंने 1.5 सेंटीमीटर का गैप रखा है. ठीक उसी तरह हम पिंक में भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन पिंक में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, 1.5 सेंटीमीटर हाइट होगा उसका. उसके बाद ठीक उसी तरह ग्रीन की तरह भी हमें 1.5 सेंटीमीटर गैप रख के वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करना है. हमारा लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया है बोथ पेपर्स में. अब हमें काटना होगा लाइन्स को. तो जैसे कि आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है वैसे ही ग्रीन पेपर में आप काट लीजिए पूरा फुल स्ट्रिप्स. उसके बाद पिंक पेपर में आप ये लाइन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है उसको मत काटिए. ये गलती मत कीजिए, उसे मत काटिए. मैं जैसे काट रही हूँ उसी तरह काटिए. आपको ओपन साइड में नहीं काटना है, क्लोज साइड से आप ये छोटा लाइन्स काटिए, वो बड़ा वाला लाइन मत काटना. आपका पेपर कुछ ऐसा दिखेगा. अब आप ब्लू स्ट्रिप लीजिए और फर्स्ट पिंक स्ट्रिप के नीचे से, सेकंड के ऊपर से, थर्ड के नीचे से, फोर्थ के ऊपर से, ऐसे ऐसे करते जाइए. ऐसा दिखना चाहिए. सेकंड वाला अलग होगा. सेकंड वाले में फर्स्ट के ऊपर से, सेकंड के नीचे से, थर्ड के ऊपर से, फोर्थ के नीचे से, फिफ्थ के ऊपर से, सिक्स के नीचे से, ऐसे करना होगा. ऑपोजिट होगा, फर्स्ट से सेकंड वाला ऑपोजिट होगा. तो आप ऐसे ऐसे करते जाइए. और याद रखिए फर्स्ट स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप ज्वाइन करना होगा आप लोगों को. तो ये हो गया मेरा लास्ट स्ट्रिप. ओके, तो आप लोगों का रिजल्ट ऐसा दिखना चाहिए. अगर आपको ये करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल आईडी में भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं.